नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला। आज आपको मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा कि जब सब रोग सब दवाएं फेल हो जाती हैं तब इस पौधे का प्रयोग किया जाता है और ये सर्व औषधियों में से एक औषधि है, दिव्य गुणों वाली औषधि है। इसको हिंदी में घिया कुमार कहते हैं, गंवार पाठा बोलते हैं और संस्कृत में घृत कुमारिका, ग्रह कन्या, स्थूल दला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह भारतवर्ष में सभी जगह पाई जाती है और इसमें हल्के हल्के कांटे होते हैं, ये देखिए आप सभी जानते होंगे। अंग्रेजी में इसको एलोवेरा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो है तो इसमें ये जो लार दिख रही है ये गूदे का प्रयोग किया जाता है, इस गूदे का प्रयोग किया जाता है। इसको तुरंत खा लिया जाए तो सिंपल टेस्ट रहता है, अगर थोड़ी देर बाद खाया जाए तो कड़वापन आ जाता है। इसके गुणधर्म के बारे में बात करें तो यह पचने में भारी, स्निग्ध, पिच्छल, कटु, शीतल और विपाक एवं तिक्त है। घृत कुमारी दस्तावर शीतल तिक्त नेत्रों के लिए हितकारी रसायन, मधुर, पुष्टिकारक, वीरवर्धक और बात विष, गुल्म, प्लीहा, यकृत, अंडवृद्ध, कफ, ज्वर, ग्रंथि, अग्निदाह, विस्फोटक, पित्त, रुधिर विकार तथा त्वचा रोग नाशक है। अल्प मात्रा में यह दीपन, पाचन, भेदन, यकृत उत्तेजना तथा बड़ी मात्रा में विरेचन एवं क्रमिक है। यह स्निग्ध, पिच्छल एवं उष्ण होने के कारण गर्भाशय रक्त संवहन को बढ़ा देता है और गर्भाशय की पेशियों को उत्तेजित कर उसका संकोचन बढ़ा देता है। इस कारण यह आर्तवर्जनन एवं गर्भ संग्राहक कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर इसके बारे में और नए संदर्भ में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।